मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार हमारे जो दर्शनार्थी यहाँ पे आ रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए, उनको कहीं भटकना ना पड़े, सुविधापूर्ण ढंग से एक स्थान पर सारी सूचनाएं मिल जाएं और यदि वो इच्छा करें तो सुगम दर्शन प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध दर्शन कर पाएं और उनको प्रसाद मिल सके, लॉकर की सुविधा उपलब्ध हो, आराम करने का स्थान हो, टॉयलेट हो, पीने का पानी हो, इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने की एक परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। हम लोगों ने न्यास के माध्यम से इस 50,000 स्क्वायर फीट का ये सुगम दर्शन केंद्र आज करकमलों द्वारा और इस केंद्र में जो हमारे दर्शनार्थी हैं उनको सारी सूचनाएं एक साथ मिलेंगी। सारी एक लॉकर की फैसिलिटी है, हमारे पास सुगम दर्शन प्रणाली की फैसिलिटी है, उसके बाद माध्यम से उनको QR कोड बेस्ड हैंडबैंड दिया जाएगा और यहाँ सेवक के माध्यम से उनको दर्शन कराया जाएगा और इसके उपरांत तो उनको प्रसाद भी उसी 300 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा और इसके अलावा जो उनको एक अपेक्षा होती है, थके हुए आते हैं, उनको सामान रखने का स्थान चाहिए, सेफ स्थान चाहिए, टॉयलेट चाहिए, सारी सुविधाएं भी आज के दिन में विश्व स्तरीय उपलब्ध कराई जा रही हैं इस केंद्र के माध्यम से। और इसके अलावा हम लोग दो अन्य स्थानों पर भी एक केंद्र प्रारंभ कर रहे हैं सुगम दर्शन केंद्र का आज के ही दिन पर, दशाश्वमेध घाट पर, जहां पर की आरती के उपरांत अपार भीड़ होती है दर्शनार्थियों की, और गेट नंबर 2 पर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर के साथ साथ जो विदेशी पर्यटक आते हैं दर्शन की इच्छा रखते हुए, जितना उनको परमिटेड है उतना दर्शन भी कंप्यूटराइज तरीके से विधि से उनको उनका पासपोर्ट की एंट्री करने के उपरांत वहां से उनको सुगम दर्शन कराया जाएगा। और ये तीनों केंद्रों का उद्घाटन आज होगा, सांकेतिक रूप से यहां पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को लेकर जो प्लानिंग सरकार की थी वो मूर्त रूप लेने लगी है और बनारस में हम जिस वक्त मौजूद हैं, जो सुविधा केंद्र है विश्वनाथ मंदिर के नाम पर हेल्प डेस्क खोली गई है उसी के ऑफिस में, और हम आपको साफ दिखा सकते हैं ऐसा पहली बार सुविधा मिलने जा रही है कि लॉकर की सुविधा, भक्तों के लिए VIP दर्शन करने के लिए टिकट की सुविधा और यहां पर आराम करने के साथ ही शौचालय व अन्य जो भक्तों की सुविधाएं होती है, यात्री सुविधाएं होती है, वो एक ही जगह पर मुहैया होंगी। सारी चीजें आप देख सकते हैं साहब, किस तरह से होटल की तर्ज पर रिसेप्शन बनाए गए हैं और इसी के साथ यहां पर सारी सुविधाओं को धीरे धीरे बढ़ाने का काम हो रहा है और तमाम सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं। हम इस समय लॉकर रूम में मौजूद हैं, लॉकर रूम के बाहर भी हम आपको लेकर चलेंगे और यहां पर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीजें यहां पर हैं। ये मुख्य काउंटर है जहां पर जो भक्त आएंगे उनको सुविधाएं देने के लिए यहां पर जो VIP दर्शन के टिकट्स हैं वो अवेलेबल होंगे, 300 रुपये के टिकट्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन टिकट्स में आपको एक शास्त्री के साथ यहां से ही दर्शन करने के लिए भेजा जाएगा और आपको बिना लाइन के ही बढ़िया दर्शन की सुविधा मिलेगी। उसके अतिरिक्त यहां पर प्रसाद से लेकर अन्य कई तरह की सुविधाएं हैं। ये अपने आप में पहली बार होने जा रहा है कि विश्वनाथ मंदिर में एक ऐसा काउंटर भी बनाया गया विश्वनाथ मंदिर की तरफ से जहां पर बाबा के नाम की टी शर्ट और माला और बाबा की पिंडकी जो गिफ्ट में देने के लिए होती है, शंख आदि कई तरह की चीजें यहां मौजूद हैं, क्योंकि विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ जो है वो अपने आप में एक ब्रांड है और बाबा विश्वनाथ के ब्रांड को इनकैश करने के लिए यहां पर ये सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त आप इधर भी देख सकते हैं यहां पर जो हाईटेक होती चीजों के साथ यहां पर कप मौजूद हैं, चाय के, लकड़ी के खिलौने जो बनारस की पहचान है वो मौजूद है। इसके अलावा प्रसाद काउंटर है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये आती थी कि प्रसाद की सुविधाएं जो थी अब तक लोगों को बाहर से लेनी पड़ती थी, प्रसाद अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता था, ये शिकायत लगातार रहती थी, लेकिन अब इस जगह से भक्तों को प्रसाद की भी सुविधाएं मिलेंगी और भक्तों को बेहतर प्रसाद मिलेगा। यूं कहिए कि बाबा विश्वनाथ अब हाईटेक हो रहे हैं, जो जैसे उनके भक्त हाईटेक हो रहे हैं वैसे बाबा विश्वनाथ भी इस कदम तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब पहली बार बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भक्तों को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी और उनको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।